हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड लाइफस्टाइल बाय सिमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ग्लिटर पिंक आई लुक। ये जो लुक है बहुत ही इजी वाला लुक किया है मैंने, जिससे कि बिगिनर अच्छे से कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और ये फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। और इस वाले वीडियो में होने वाला है गिव अवे क्वेश्चन, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में करूंगी, तो उसका आंसर देना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको नीड होती है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें। तो मैंने एक CTM प्रोसेस कर लिया है। CTM प्रोसेस मीन्स क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो मैंने कर लिया है गाइस। तो मैं अपने आईज की स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं अपने आईलेट पे लगाऊंगी कंसीलर, कोई भी लाइट सीरी हुई यहाँ पर एक डर्मा का, क्रायलॉन डर्मा का कंसीलर जो कि है आइवरी शेड में, उसे मैं एज अ बेस ले रही हूँ अपनी आईज के लिए। ब्लेंड कर लेंगी। मेक श्योर कि आपका जो भी ब्लेंडर है वो आपका बैट होना चाहिए, वो बैट होना चाहिए, इसमें सिर्फ जरा भी पानी नहीं निकलना चाहिए। इसको अच्छे से टॉवल बैट कर लीजिए, टॉवल ड्राई कर लीजिए, देन आप इसको अच्छे से यूज कीजिए। मैंने यहाँ पे अपना ये कर लिया है आई। अब मैं इसको एक व्हाइट कलर के इस तरह के आई शेडो से, व्हाइट कलर के आई शेडो से सेट कर लूंगी लाइट शेड में। आप इसके लिए लूज पाउडर भी ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं इसी वाली आई शेडो पैलेट में से ये वाला पिक कलर पिक करूंगी जो कि लाइट ब्राउन है, और इसको मैं एज अ अपना एज अ ट्रांजेक्शन शेड यूज करूंगी अपनी आईज पे। और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी, इसको सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना है अच्छे से, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन शेड निकल के आए। बहुत ही लाइट सा ट्रांजेक्शन शेड लिया है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को जो ग्लिटर आई कर रही हूँ तो मुझे ये हल्का ही इसको दिखाना है, ज़्यादा मुझे इसके लिए डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके टू शेड है, मैं इन दोनों शेड से ये मेकअप लुक करूँगी। एक है ये पर्पल और एक ये है पिंक कलर में, लाइट पिंक एंड पर्पल, तो इसी से मैं मेकअप लुक करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए अपनी आई लिड पे ग्लू लगाऊंगी। तो ग्लू के लिए मुझे अगेन मैंने ये वाला जो ग्लिटर्स, ये वाले ग्लिटर्स मंगाए थे, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। अगर आपको ये भी परचेस करनी है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल थे, अंडर 200 रुपीज़ में ये मुझे 12 शेड मिले थे, और इसके साथ ग्लू भी मिला था जो कि इस तरह से है। और ये ग्लो भी बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी का है। मैंने एक ग्रीन ग्लिटर आई मेकअप लुक किया था, उसमें भी मैंने इन ग्लिटर्स को यूज़ किया है और इस ग्लू को भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सो गाइस, इस ग्लू को लगाने के लिए आपको इस तरह की फ्लैट ब्रश की ज़रूरत होगी, इस तरह की। यहाँ पे लाइट वाला पिंक शेड जो कि मैं इनर लगा लिया है, सेम शेड मैं यहाँ पर इस वाली आई को ऑफ कैमरा लगा लेती हूँ। कंप्लीट कर ली है। मैं अब इस वाली आई पे आपको दिखाऊंगी आईलाइनर कैसे लगाना है। तो बहुत ही सावधानी के साथ ये वाला लाइनर लगाना है आपको, और इसको आप ड्रॉ करोगे इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करके यहाँ तक ड्रॉ करोगे। बहुत ही पतली फाइन लाइन बनानी है आपको। मैंने लाइनर भी ड्रॉ कर लिया है, और अब मैं इसमें इस आउटर कॉर्नर पे डार्क पर्पल कलर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल एज अ मॉइस्चराइजर, और ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये वाला मैंने अपना नाइका हॉट पिंक सेल से परचेज किया था, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइस। और ये बहुत अच्छा जेल है, ये मेरी स्किन में बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने इसको हाफ तो फिनिश कर ही दिया है। सो नाउ अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर के ले रही हूँ
मैं लैक्मे का प्राइमर और इसको मैं प्राइमर को लगा लेती हूँ अपने फेस पर। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कोई कंसीलर नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्ट फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ मैं लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन, और इसमें मेरा जो शेड है N200 नेचुरल न्यूड है, इसमें जो मेरा शेड है। एंड ये फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइस, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अगेन ये भी मैंने नायका ऑर्पिंग सेल से परचेज किया था, और इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। वैसे इसमें आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा लगा लिया, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं है। और ये भी थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होने के बाद सेम मेरी स्किन टोन में मैच कर जाएगा। वैस ब्रश फिल करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्विस्टी का जेल प्लस आईब्रो फिलर, जो कि अगेन बहुत अफोर्डेबल है, और अपनी आईब्रोज को मैं फिल कर लूँगी। वैसे अपनी आईब्रोज को फिल करते टाइम हमेशा याद रखेगी आप इस मिडल पॉइंट से स्टार्ट करें फिल करना, और हमेशा पीछे से ही स्टार्ट करना चाहिए, बैक स्टार्टिंग से नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग पे हमें बहुत नेचुरल सा हल्का सा लगाना होगा, लाइक जो प्रोडक्ट बचा हुआ था इसी ऊपर इस तरह से आपको यूज़ करना होगा। ऐसी लाइन नहीं बनानी है आपको, अपर साइड में हल्का हल्का इस तरह से करना होगा, और यहाँ से इस तरह से आपको ये अप्लाई करना होगा। सी गाइस कितना अच्छे से फिल हुआ, और इस वाले को देखिए फिल हुआ है, तो इसको भी हम कर लेते हैं फिल। मेकअप को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ NYWay का कॉम्पैक्ट, और इसको मैं हल्का हल्का पहले पूरे स्किन पे पूरे फेस पर लगा लूँगी। बहुत हल्का हल्का शेड लगा रही हूँ, एंड मैंने इसको लगा दिया। ये भी अफोर्डेबल में है और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, आप इसके लिए जा सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए ले रही हूँ, कंसीलर के लिए ले रही हूँ डर्मा का कंसीलर, और इसको मैं अपने अंडर आई एरिया में यूज़ करूँगी, और जहाँ जाकर आपको अप्लाई करना है वहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं हल्का सा नोज एरिया पर करूँगी, हल्का सा रिजर्व करूँगी टी जोन पे, एंड हल्का सा गाइस इस जगह पे। सो मैंने इसको यूज़ कर लिया है, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। समर्स के लिए ना क्रायलॉन डर्मा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसके आप बेस या स्टिक फाउंडेशन स्टिक लोगे ना बहुत ही अच्छे होते हैं, या थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट इनका वर्क बहुत अच्छा होता है समर्स के लिए। हमेशा आप डर्मा का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए आपको। एंड अगर आप क्रायलॉन शुपा भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी अगर यूज़ करें तो सन कर सकते हैं, बट उसका तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। उसमें हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक हमें मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना है, हमेशा मैट प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेगी आपको, ऑयल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ेगी, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है, आप कंसीलर को सेट करने के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे मार्स का लूज पाउडर, और इसको मैं हल्का सा टैप करूँगी, और इसको जितना मुझे नीड होगी मैं उसका यहाँ तक। मैं कॉन्टोरिंग के लिए ले रही हूँ मैं परफ्यूजन की आई शेडो पैलेट में से बहुत ही न्यूड सा ये वाला शेड ले रही हूँ, ब्राउन पीची ब्राउन कलर का है, जो इसी में एज अ कॉन्टोरिंग यूज़ करूँगी मैं। इसी पैलेट में से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है पैलेट, और ये काफ़ी टाइम हो गया इस पैलेट को, इसका वर्क बहुत अच्छा है। सो देखिए गाइस बहुत ही एक नेचुरल सा इफेक्ट देता है ये वाला पैलेट जो होता है। मैंने इधर अप्लाई कर लिया है, सेम मैं इधर भी अप्लाई कर लूँगी, इसी से मैं अपने नोज को भी कंट्रोल कर लूँगी। देखिए गाइस इसका कितना अच्छा रिजल्ट है, कितने अच्छे से नोज कंट्रोल हो रही है। मैं हल्का सा इस जगह पर भी लगाऊंगी, क्योंकि एरिया मेरा थोड़ा चली गया, थोड़ा लंबा है फेस में, इस वजह से मैं इसको भी हाइड करने के लिए यहाँ भी अप्लाई करूँगी। और गाइस और ब्लशर के लिए भी मैं इसी पैलेट में से ब्लश शेड लूँगी, जो कि ये वाला लाइट पिंक शेड में है, और ये भी बहुत न्यूड सा शेड है ये वाला, तो मैं इसको लूँगी और इसको मैं एज अ ब्लश यूज करूँगी।
बहुत बहुत अच्छी पैलेट है गाइस। आप अगर इस तरह की पैलेट देखना चाहते हैं जिसमें आपको आईज का भी वर्क हो जाए आपके लिए और आपका आई मेकअप भी हो जाए, ब्लश भी हो जाए, कंटूरिंग भी हो जाए, और इसमें आपको हाइलाइटर भी मिलता है, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये है गाइस। और देखिए मैंने आप लगा लिया ब्लश और मैं हल्का से हाइलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और इसको मैं लगाऊंगी गाइस। देखिए लिपस्टिक के लिए मेरे पास यहाँ पर है 3 शेड जो कि है लॉरियल से। इसमें एक ये वाला शेड है जो कि मेरा ऑलमोस्ट ऑल टाइम फेवरेट रहता है, और एक ये ब्राउन शेड है, और एक हल्का सा ये पिंक टोन में है। तो मैं इसमें से ये वाला न्यूड शेड यूज़ करूँगी। अगर आप इनमें से आपको कोई चॉइस दी जाती कि आप इनमें से कौन सा शेड यूज़ करते तो आप भी मुझे बता सकते हैं। गाइस मैं यहाँ पर आई लेसेस यूज़ नहीं करूँगी, फॉल्स लेसेस यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट अपने आई लेसेस को कर्ल करूँगी और उस पर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। तो आप इस तरह से आप अपनी आईज को कर्ल कीजिए इससे आई लेसेस कर्लर से। ये आई लेसेस कलर फ्रेंड्स मैंने मीशो से मंगाया था, इसके साथ 7 प्रोडक्ट और आए थे, ये टोटल 8 प्रोडक्ट थे जो मुझे 200 रुपीज़ में मिले थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं कि मुझे कौन से प्रोडक्ट मिले थे तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आप जानना चाहते हैं कि 8 प्रोडक्ट मुझे 200 रुपीज़ में कैसे मिले, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ मस्कारा, मस्कारा के लिए ले रही हूँ। मैंने लोकल मार्केट से मस्कारा परचेस किया था जो कि था निकलाइन से, और मैं इसको अप्लाई कर लूंगी गाइस। गाइस बहुत ही अफोर्डेबल मस्कारा है, आई थिंक ये 100 रुपीज के अंडर में है, और इसका वर्क बहुत अच्छा है, ये भी वाटर प्रूफ है। देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया और उसमें अप्लाई किया है, तो इसका अलग से ही दिख रहा है। सीरियस मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर को यहाँ पर इसको हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ, जो कि इसके लिए ले रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, इसको मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, उसको अपने इनर कॉर्नर पे यहाँ पर लगा रही हूँ। सो फ्रेंड दिस इज माय फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये मेकअप लुक हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। आज का गिव अवे क्वेश्चन ये है कि इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर कितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, और उनका नाम भी बताना है आपको। ब्रशेस का नाम नहीं बताना है, जो भी ब्रश यूज़ किए हैं उनका नाम नहीं बताना है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो भी आई शेडो, आईब्रो फिलर या ब्लश जो भी कुछ मैंने लिया है उन सभी का आपको नाम बताना है, कितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो बताना है, और इसका जो आंसर है वो मुझे इंस्टा पे डीएम करना है।